Hello everyone, this is Tina and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज मैं कोई DIY वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी क्राफ्ट हॉल वीडियो जो मुझे रिसेंटली इत्सीबीसी से रिसीव हुआ है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है MDF कोस्टार. कुछ मैंने स्क्वायर शेप में लिया है एंड कुछ कोस्टर मैंने राउंड शेप में लिया है. प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना. ये कुछ कटआउट MDFs है. इत्सीबीसी में इस तरह की बहुत सारी शेप्स के कटआउट आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ चिप बोर्ड्स. फिर मैंने यहाँ पे लिया है कुछ कलरिंग रिबन सेट. एक मैंने डार्क शेड में लिया है एंड बाकी दो नियन कलर्स में. ये सारे मुझे 80% ऑफ में मिल रहा था इसलिए मैं दो तीन सेट करके मंगाया है. इत्सीबीसी में अभी भी 80% ऑफ का सेल चल रहा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है दो सेट पॉम्पॉम. ये भी बहुत सस्ते में लिया है और इस वाले पम्पम में स्काई ब्लू शेड में लेने वाली थी बट बाद में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया इसलिए ये वाली शेड लेना पड़ा. अब आते हैं मेरे फेवरेट पेंट्स की तरफ. मैंने पहले वाली हॉल पे गोल्डन येलो कलर के चॉक पेंट्स लिए थे फर्स्ट टाइम और वो इतना अच्छा था मैंने लगभग सारे DIYs में वो यूज कर लिया है. इस बार मैंने दो और शेड मंगाया है, एक है टील टैंगो एंड एक टेराकोटा शेड में. नेक्स्ट है ये वुडन पेक्स, ये मुझे बहुत सस्ते में मिला है. अब नेक्स्ट आते हैं मेरे मोस्ट अवेटेड पेंट्स पे. ये ग्लास कलर मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, मैंने लोकल शॉप में भी बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिल गया एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस में. तो मैंने पूरे सेट मंगा लिया है. तो इसके अंदर 6 शेड्स है एंड मैंने आगे जाके बहुत सारे DIYs में इसको यूज करने वाली हूँ. नेक्स्ट है ये रिबन, सिर्फ 7 रुपीज में मिल रहा था इसलिए मैंने दो ले लिया है. नेक्स्ट है ये दो फेदर के सेट, इसका भी बहुत सारे कलर्स वहां पर अवेलेबल है. मैंने दो ले लिया है, एक हॉट पिंक एंड एक पर्पल. नेक्स्ट है ये बार्लिप जूट के जो ब्लू शेड्स में है, इसका भी कलर्स अवेलेबल है. ये है ग्लिटर रिच कॉपर कलर की, डस्ट ग्लिटर है. तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें 80% ऑफ में लिया है. बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, बस जो चीज़ें मुझे चाहिए था एंड प्राइस में रिजनेबल लगा बस उसी को ही मैंने ऑर्डर किया है. एंड सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं जो क्राफ्ट में हर किसी को चाहिए होगा. तो मैं सब चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एंड सब डिटेलिंग में दिखाने गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स के नेम एंड प्राइस स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ. ऑफर अभी भी चल रहा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे आते हैं मेरे सब हार्ड मटेरियल्स पे. तो सबसे पहले है ये क्राफ्ट स्पून और उसके साथ एक क्राफ्ट ग्लू भी दिया हुआ है. नेक्स्ट है ये पॉप्सिकल स्टिक्स और क्राफ्ट स्टिक्स या फिर आइसक्रीम स्टिक्स, जो भी आप बोलते हो. तो यहाँ पे अनदर दो क्राफ्ट स्टिक्स के सेट है. एक्चुअली मुझे नेचुरल कलर का मिला ही नहीं, सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था इसलिए मैं कलरिंग स्टिक्स को ही पिक कर लिया है. नेक्स्ट मैंने लिया है ये पाइन कोन्स. उसके बाद है ये कलरिंग पेपर्स. पर्दे हो या पार्टी या कोई भी कलरफुल डेकोरेशन करना हो तो इस तरह के पेपर्स बहुत काम आता है. नेक्स्ट है ये बैम्बू स्टिक्स, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है एंड मुझे और भी चाहिए था इस तरह की स्टिक्स पर मिला नहीं इसलिए मैं दो विलो स्टिक्स उठा लाया.
इसका भी फिनिशिंग अच्छा है। यहाँ पे मैंने लिया है ये दो छोटे छोटे बॉक्सेस, पिक्चर देख के लगा नहीं था इतना छोटा होगा एंड वहाँ पे स्टोरेज बॉक्स करके लिखा था, इसलिए मैंने इसको दो मंगा लिया था। नेक्स्ट लिया है ये वुडन स्लाइसेस, इसका साइज भी बहुत छोटा आया है बट मैंने कुछ और ही समझ के इसको ऑर्डर किया था। नेक्स्ट आते हैं ये कलरिंग जूट शीट्स पे, ये सारे लैमिनेटेड शीट है एंड वहाँ पे और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बस मैंने ये रेड वाइट येलो एंड ब्लू और एक नेचुरल कलर का ही लिया है। यहाँ पे लिया है एक मेटालिक लेदर पेपर, अगर इसको टच करोगे तो आप फील कर पाओगे कि इसके ऊपर कुछ टेक्सचर बना हुआ है एंड इस तरह की पेपर आप कार्ड मेकिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिया है कुछ डिफरेंट टेक्सचर्स के पेपर एंड सब A4 साइज के हैं, इसके नाम और प्राइस में मेंशन कर दे रही हूँ, आप चेक कर लेना एंड ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट मैंने लिया है ये 12x12 साइज के जूट बार्लैप, इसको भी मैं दो पीसेस में लिया है एंड लास्ट में मैंने लिया है एक पैटर्न पेपर। मैंने सारी चीज़ें कम से कम रेट में लेने की कोशिश की है एंड सबको यूज़ करके मैं आगे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।